निमित के नंबरिंग गेम को लेकर फूटा अंकित का गुस्सा। बिग बॉस के घर में अब्दू की काबिलियत पर टीना और शालीन ने उठाए सवाल। शिव ने टीना की बॉडी पर किया चीप कमेंट। निमृत और टीना के बीच में हो गई जमकर कैट फाइट। हेलो गाइस, वेलकम टू फर्स्ट इंडिया टेली। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल और आप देख रहे हैं बिग बॉस के बाद सोनिया के साथ। आज बिग बॉस के घर में नए वाइल्ड कार्ड एंट्री के दिन की शुरुआत हो गई है और गेम की शुरुआत भी बहुत धमाकेदार तरीके से हुई है, जहां पर गोल्डन बॉयज से गॉसिप लेने की कोशिश कर रहे हैं टीना और शालीन। यहां पर इस कॉन्वर्सेशन में अर्चना भी शामिल है, लेकिन इसके बाद बहुत बड़ा कांड हो जाता है बिग बॉस के घर में। बिग बॉस ने जमकर फटकार लगाई है टीना और शालीन को, क्योंकि बिग बॉस के घर में जब भी कोई बाहर से आता है तो वो अपना एक परसेप्शन लेकर आता है। अगर वो बिग बॉस का शो देख रहा है और अपने बारे में कोई फीडबैक बताता है किसी सदस्य को, तो वो अपने नज़रिए से ही बताएगा। और ये बिग बॉस के रूल के खिलाफ भी है कि बाहर की दुनिया की खबर को जानना बिल्कुल भी मना है। इसी वजह से टीना और शालीन को फटकार मिली है बिग बॉस से। बिग बॉस ने कहा है कि जिस तरह की हरकत आप लोग करते हैं, उस तरह से मेरे साथ साथ आपके फैंस भी बहुत ज़्यादा निराश होंगे। अगर किसी का आप फीडबैक लेते हैं तो आप अपने गेम को इन्फ्लुएंस करेंगे, जिससे आपकी रियल पर्सनैलिटी सामने नहीं आएगी। ये सब कुछ होने के बाद बहुत घर में आज प्यार का एक माहौल भी देखने को मिला है। फाइनली काफ़ी सारे झगड़ों के बाद टीना और शालीन के बीच में सुलह हो गई है। टीना और शालीन ने एक दूसरे को पसंद करने की बात को कबूल कर लिया है। वहीं शालीन और टीना ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करके एक दूसरे को गले लगाकर अपने झगड़े को खत्म कर लिया है। बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन और कैप्टनसी का टास्क होने के बाद दर्शक बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि राशनिंग का टास्क कब किया जाएगा। राशनिंग का टास्क लेकर आ गए हैं बिग बॉस। सबसे पहले बिग बॉस ने रानी निमृत को एक टास्क दिया है। गार्डन एरिया में फर्स्ट स्पॉट से लेकर 11th स्पॉट तक के बोर्ड रखे गए हैं। रानी निमृत को अब ये डिसाइड करना है कि घर में कंटेस्टेंट का किस तरह से कंट्रीब्यूशन है और अपने कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर वो उन्हें कौन सा स्पॉट देती है। सबसे नंबर पहला स्पॉट मिला है शिव को, वहीं सेकेंड स्पॉट दिया गया है सौंदर्य को। जैसे ही यहाँ पर नंबरिंग गेम का खेल शुरू होता है, बिग बॉस के घर में प्रियंका की गैंग के लोग हूटिंग करके बहुत ज़्यादा बेइज्जती और बहुत ज़्यादा खिल्ली उड़ाते हैं रानी निमृत की। बार बार निमृत पे ये आरोप लगा है कि वो अपने दोस्तों को ही फेवर करेंगी। वहीं अर्चना का कहना है कि सभी यहाँ पर शांत बैठ जाओ, सबसे पहले उसकी मंडली आएगी, बाकी लोगों को मौका मिलेगा। वहीं निमृत ने तीसरा स्पॉट दिया है अब्दू को। अब्दू को तीसरा स्पॉट मिलते ही शालीन, टीना और घर के लोग भड़क जाते हैं। उनका मानना है कि घर के किसी भी टास्क में अब्दू का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। और वहीं निमृत का कहना है कि अब्दू घर में एक पॉजिटिविटी लाते हैं, वो घर का माहौल अच्छा करते हैं। इस पर शालीन का कहना है कि बिग बॉस का घर पॉजिटिविटी के बारे में नहीं है। यहाँ पर एज अ खिलाड़ी आपका गेम प्लान कैसा है, आप मेंटली फिजिकली किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उन्हें नहीं लगता कि थर्ड स्पॉट पर अब्दू को होना चाहिए। वहीं चौथे नंबर पर निमृत ने अर्चना को चुना है, तो वहीं पाँचवें नंबर पर साजिद है। सिक्स्थ स्पॉट दिया गया है प्रियंका को। सेवन्थ स्पॉट दिया गया है शालीन को। आठवें नंबर पर टीना है, तो वहीं नौवें नंबर पर एमसी स्टैन है। दसवां नंबर हासिल किया है सुम्बुल ने, तो वहीं सबसे लीस्ट और सबसे बॉटम में 11th स्पॉट पर रखा है निमृत ने अंकित को। अंकित इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अंकित ने अपने स्पॉट पर जाने से पहले एक बात कही है कि मैं भले ही सबसे बॉटम में हूँ, लेकिन इतने सारे हफ्तों में मैं अब तक सिर्फ एक ही बार नॉमिनेट हुआ हूँ, तो ये सभी कंटेस्टेंट के चेहरे पर बहुत बड़ा तमाचा है। ये सुनकर घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो कुछ लोग अंकित की खिल्ली उड़ाते हैं। अब ये टास्क तो खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। बिग बॉस ने की है अनाउंसमेंट कि जिस तरह से लोगों को स्पॉट दिया गया है, उसी तरह का घर वालों को एक बास्केट दिया जाएगा। अगर कोई फर्स्ट स्पॉट पर है तो उसे सबसे बड़ा बास्केट मिलेगा, जो 11th स्पॉट पर है सबसे बॉटम में उसे सबसे छोटा बास्केट मिलेगा। स्टोर रूम में इस हफ्ते का पूरा राशन जमा करके रख दिया गया है। बजर बजेगा, एक एक करके सभी अपने स्पॉट के हिसाब से आएंगे और जितनी बड़ी बास्केट उन्हें मिली है, बजर बजने के पहले उसमें अपना राशन जमा कर ले। एक एक करके सभी घर वाले आके अपना राशन जमा करेंगे। एंड में जो भी राशन बचेगा घर वालों के पास,
उसमें से कुछ कुछ चीजें लेकर निमृत अपना पर्सनल राशन इकट्ठा करेंगी। अब यहाँ पर स्टोर रूम के बाहर सभी घरवाले इकट्ठा हो गए हैं, बजर बजने का इंतजार हो रहा है। यहाँ पर शिव एक बहुत ही बड़ा कमेंट कर देते हैं टीना पर। शालिन को उन्होंने कहा है कि तुम दूध क्यों लोगे, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी दूध है। ये बहुत ही इनडायरेक्ट चीप कमेंट था टीना को लेकर। टीना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि शिव के इस मजाक पर घर के किसी भी सदस्य ने अपना रिएक्शन नहीं दिया है, ना ही शिव को टोकने की कोशिश की है। वहीं शालिन ने सार्कास्टिक टोन में टॉन्ट तो जरूर मारा है शिव को उनके वेजिटेरियन होने पर, तो वहीं टीना ने शालिन को वहां पर शांत करा दिया है। बिग बॉस के घर में राशन का टास्क खत्म होता है। राशनिंग का टास्क होने के बाद साजिद की मंडली अपने कमरे में बैठकर सभी की एक एक करके बुराई कर रहे हैं, जहां पर शालिन की बुराई होती है कि किस तरह से वो झूठा नाटक करते हैं, और टीना पर भी खूब आरोप लगे हैं। बात होती है अंकित की, जिस तरह से अंकित ने चौटा मारने वाला एक कॉमेंट किया था उस पर साजिद खान ने अंकित की जमकर खिल्ली उड़ाई है और ये कहा है कि कितनी बार तो वो मेरी वजह से बचा हुआ है, वो कितना बड़ा बेवकूफ है। वहीं शिव भी इस बात पर अग्री करते हैं और कहते हैं कि वो सबसे बड़ा पागल और बेवकूफ इंसान है, उसे पता ही नहीं कि उसे गेम में करना क्या है। वहीं सबको बात करता देख सुम्बुल की भी हिम्मत आ जाती है और वो अपना ओपिनियन देती है शालिन के बारे में। शालिन को घर का सबसे बदतमीज सदस्य बता दिया है सुम्बुल ने। सुम्बुल का गुस्सा अब फूटता हुआ नजर आ रहा है शालिन पर। ये सारी चीजें यहाँ पर खत्म होती हैं। वहीं पर जिस तरह से आज टीना और शालिन के प्यार का एक बहुत ही अच्छा मोमेंट देखने को मिला है, प्रियंकित यानी प्रियंका और अंकित ने भी अपने गिले शिकवे दूर कर लिए हैं। प्रियंका और अंकित ने एक दूसरे के साथ बहुत खुलकर अच्छे से बात की है। अंकित ने प्रियंका को कस कर गले लगाकर उन्हें फोरहेड पर किस किया है। ये नज़ारा देख लिया है अर्चना ने और वो जमकर खिल्ली उड़ा रही है और मजा ले रही है इस नज़ारे का। बिग बॉस के घर में आज यही सब कुछ हंगामा हुआ है। निमृत ने जिस तरह से घर वालों को नंबरिंग स्पॉट किया है उससे आप कितने सहमत हैं, और आप अपने हिसाब से कौन से नंबर पर कौन से सदस्य को देखना चाहेंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। दिन खत्म होने से पहले यहाँ पर एक कैट फाइट देखने को मिली है जो है निमृत और टीना के बीच में। टीना की ड्यूटी है बर्तन साफ करने की, लेकिन अब उनके सामने बर्तनों का पहाड़ है जिसमें बहुत सारा झूठा खाना रखा गया है सिंक में। टीना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि घर वाले इस तरह से कितनी गंदी हरकत कैसे कर सकते हैं। टीना ने निमृत को आवाज लगाई है कि वो आकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। टीना के बुलाने पर निमृत अपने कमरे से तुरंत बाहर नहीं आती, इस वजह से टीना का गुस्सा फूट गया है। टीना ने घर वालों को जमकर लताड़ लगाई है और उनसे पूछा है ये सवाल कि क्या अपने घर में भी इस तरह से गवारों की तरह खाना खाते हो। यहीं पर ये एपिसोड तो खत्म हो गया है, लेकिन इनकी कैट फाइट अब भी खत्म नहीं हुई है। अब आगे अगले एपिसोड में ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि राशनी को लेकर कौन सी घमासान देखने को मिलेगी और अब अर्चना किसके थाली में से कौन सा खाना उठाकर ले जाएंगी। पहले भी वो शिव के थाली में से रोटी छीन चुकी है। वहीं अब टीना और निमृत के बीच ये वॉर ऑफ वर्ड जो शुरू हुआ है वो अब किस मोड़ पर जाएगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इस पूरे एपिसोड के बारे में आपकी क्या राय है और निमृत के कैप्टेंसी के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट गॉसिप जानने के लिए फर्स्ट इंडिया टेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं।